अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में आलू ब्रेड रोल। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ब्रेड के हमने जो किनारे हैं उसे निकाल लेना है, और ब्रेड के किनारों को निकाल के फेंकना नहीं है, उसे आप ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं। देखिए, हमने सारे ब्रेड के किनारे निकाल दिए हैं। आप अपने मुताबिक ब्रेड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 मीडियम आलू ले लिया। आलू को हमने बॉईल कर लिया था, अब इसे हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आलूओं को मैश कर लिया है अच्छे से। यहाँ पर हम ले लेंगे आधी छोटी प्याज, उसे बारीक बारीक काट लेंगे। 3 हरी मिर्चें, उसे भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पर हम ले लेंगे कुछ मसाले, आधा छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर ले लेंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमें साबुत जीरा ले लेना है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना है बारीक कटा हुआ, 1/4 चम्मच हमें अजवाइन ले लेना है, और 1/4 चम्मच हमें चाट मसाला ले लेना है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा भी चाट मसाला कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच तेल पहले से ही कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची ली थी, उसे आप डाल दें इसमें। और हमने यहाँ पर आंच स्लो रखी है, तेज़ आंच नहीं, और स्लो आंच पर हम इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें हल्का सा प्याज सॉफ्ट होने देना, इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। हमने चला लिया, इसे 2 मिनट पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो पाउडर मसाले लिए थे। हरा धनिया नहीं डालना है, उसे निकाल लेना है। बाकी जो हमने मसाले लिए थे पूरा डाल देना है, उसे हमने अच्छे से स्लो आंच पर चला लेना है। और इन मसालों को भी हमें 2 मिनट के लिए स्लो ही आँच पर पकने देना है। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम वापस से चला लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे हमने जो मैश किया हुआ आलू लिया था, पूरे आलू डाल देना है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। देखिए, आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हमने आज स्लो ही रखा है, और स्लो आंच पर हम इसे 5 मिनट के लिए भुनने देंगे, और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे ब्रेड रोल में, और ये ब्रेड रोल बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बीच बीच में चला लिया था, अभी वापस से चला लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, हमने जो बारीक कटा हुआ रखा था। हरा धनिया डालने के बाद हम इन्हें वापस से अच्छे से चला लेंगे, और गैस बंद कर देना है। और आलू की फिलिंग को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है हरा धनिया और आलूओं को, अब इसे हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पर हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आलू की जो फिलिंग है अच्छे से कूल हो गई है, यानी कि ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे। एक दूसरे बर्तन में हम पानी लेंगे और ब्रेड लेंगे। ब्रेड को हम पानी में अच्छे से भिगो लेंगे, और दोनों हाथों से एकदम अच्छे से निचोड़ लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। नहीं तो पानी रहेगा तो हम जब फ्राई करेंगे तो तेल हमारे ऊपर उड़ेगा पानी की वजह से। हम आलू की फिलिंग को डाल लेंगे ब्रेड के ऊपर, और इसे हमें अच्छे से रोल की शेप दे देना है। अच्छे से हम इसे रोल बना लेंगे। ये देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आप रोल बना लें अच्छे से। इसे हमें अच्छे से ढक देना है, कहीं से आलू नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो फिर आलू फट के बाहर आ जाएगी जब हम फ्राई करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमने यहाँ पे रोल कर लिया है ब्रेड का। देखिए, तैयार है हमारा ब्रेड आलू रोल। ऐसे ही करके हम दूसरा रोल बना लेंगे। पहले हमें पानी में अच्छे से डिप कर लेना है, फिर अच्छे से एकदम अच्छे से पानी निचोड़ लेना, एक भी पानी नहीं रहने देना है। आलू की फिलिंग डालकर इसका भी हम रोल बना देंगे। ऐसे ही करके हमने जितने भी ब्रेड लिए हैं सारा प्रोसेस सेम तरीके से कर लेना है। अच्छे से हमें इन्हें रोल कर लेना है। आलू नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तब फटेगा और आलू बाहर आ जाएगा। तो अच्छे से आप ब्रेड का रोल बना लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से बना लिया है। ऐसे ही करके हमने सारे
जो हमने ब्रेड लिए थे रोल बना लिया था। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गरम होने देना है और इन्हें डाल देंगे हमने जो रोल बनाए थे। सारे रोल नहीं डालना है, एक साथ थोड़े थोड़े करके डालना है तो अच्छे से हमारे रोल फ्राई हो जाते हैं। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया है। हम इन रोल को हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा देर तक का हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे रोल को पलट दिया है, हमने साइड चेंज कर दिया है। ऐसे ही करके हमें दूसरे साइड भी चेंज कर लेना है। जब तक का अच्छे से गोल्डन फ्राई ना हो जाए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है साइड चेंज कर करके। हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया था। यकीन माने जितना सिंपल तरीके से बना हुआ है खाने में उतना ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड रोल में अच्छे से कलर आ चुका है, गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बर्तन में। एक बर्तन में हम टिश्यू पेपर ले लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। देखिए हमने निकाल लिया है और निकालते हुए हमारा एक गिर भी गया था गैस के ऊपर, तो हमने उसे भी ले लिया था। अब ऐसे ही करके हम जो हमारा सेकेंड बैच है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर और अच्छे से गोल्डन होने तक का हमें दूसरे रोल भी फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आलू ब्रेड रोल को फ्राई करके निकाल लिया था। तैयार है हमारा गर्मा गर्म अफ्तारी के लिए आलू ब्रेड रोल। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।